और अब कांग्रेस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको बता दूं, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगाई गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी मौजूदा सांसदों को टिकट एक बार फिर से दे सकती है। हालांकि दिल्ली की सीटों पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हो चुकी हैं, जिनका औपचारिक ऐलान जल्द हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने यह कहा कि 11 मार्च को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज तो आज पेंडिंग हो गया, कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, प्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीसी कि ये किसी के बारे में, फॉर दिल्ली इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमोसफेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। Dream Sports presents News 18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times, coming soon. सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। अमित शाह ने बोलाजी बंगाल इज द ओनली प्लेस टू कनेक्ट मॉडल ऑफ सेल्फ। ममता बनर्जी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेश खाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेश खाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। उधर संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गई और न्यू टाउन थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गई। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थमबे ना, हमारे लड़ाई जारी थकबे। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीना खां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था, लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे।